नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपको एक बार राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन ले आए हैं और यहाँ पर दुबग्गा से आए हुए बिकनू जो कि विकलांग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा आरोप राजधानी लखनऊ की दुबग्गा पुलिस पर है और SDM सदर पर है। इनकी भूमि को कुछ दबंग मिलकर के बेचने नहीं दे रहे हैं, उनको इनकी जमीन को शत्रु संपत्ति बताया जाता है, जबकि शत्रु संपत्ति इनसे ठीक लगी हुई जमीन है जो पहले से ही सदर SDM के की कस्टोडियन में है। तो इस तरीके से ये प्रकरण है जिसको लेकर के ये एक बार इको गार्डन में पहले भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब धरना प्रदर्शन करने के बाद शत्रु संपत्ति को खंभे लगा करके बकायदा उसको दर्शा दिया गया था। कुछ वीडियोस इनके पास हैं, ये दिखा रहे हैं किस तरह से दबंग के साथ पुलिस भी आती है और न इनके कागज़ देखे जाते हैं, न इनकी बात सुनी जाती है। लखनऊ DM से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक को ये बार बार पत्र लिखते हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो बिकनू अब एक बार फिर इको गार्डन में धरना स्थल पर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। कुछ समाजसेवी और भी हैं दुबग्गा साइड के जो अब इनका साथ दे रहे हैं और सभी चाहते हैं कि एक विकलांग अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्याय मिले। आइए पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। भैया क्या नाम है आपका? बिकनू नाम है जी। जैसा अभी इन्होंने बताया कि ये मैटर है, तो आप शासन प्रशासन के पास गए? जी, कागज द्वारा सब पहुंचे हम, मगर हमें जो है इंसाफ नहीं मिला जी। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। क्या चाहते हैं सरकार से, खुल के बताइए? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है साहब जब मिल चुकी है तो हमारे पर जो है कोई वो ना करे, हमारी जो है जो हम मांगते हैं हमारी जो है न्याय करा जाए, हमारे साथ न्याय दिया जाए। मतलब आप लोग यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि मामला क्या है? मामला ये कि हरजन किसान विकलांग, वाइफ विकलांग, बेटा विकलांग है और हद तक पिताजी भी विकलांग थे। इन विकलांगों की ज़मीन शत्रु संपत्ति से मिली थी, किसी तरीके से संघर्ष करके हम सहयोगियों ने इनकी ज़मीन को शासन प्रशासन से मिलकर और कार्रवाई कराकर अलग कराई, अलग करके खंभे लग चुके हैं। खंभे लगने के बाद 25 नंबर की रजिस्ट्री बेचारे अपनी ज़रूरत के लिए बेचते हैं, तो 20-24 की रजिस्ट्री वाले इनको रोकते हैं, जो कि 20-24 शत्रु संपत्ति है, साफ साफ आदेश है उसमें। और 20-24 के सर्वे सर्वा SDM महोदय उनकी देख रेख में ही वो ली जाती है, वो जो शत्रु संपत्ति वो है, शत्रु संपत्ति देखभाल वही करते हैं, कस्टोडियन बोलते हैं उसको, है ना। उसके बावजूद ये अगर बनाते हैं तो भीड़ के तरीके से वो लोग जो फर्जी रजिस्ट्री ली है 20-24 की, भीड़ लेके आते हैं कि और बगैर कोई स्टे पुलिस आके काम रुका जाती इनका। जिनको बेचते हैं वो भी फिर दबाव देने लगता है कि हमको जमीन दो, पैसा गरीब किस पैसा जरूरत के लिए बेचता है, खैर अब तो बहुत बुरा तरीके फंसा हुआ है। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तो चाहे जो भी करना पड़े हम लोगों को शांतिपूर्वक हम न्याय दिला के रहेंगे। और बहुत बड़ा इनको दिक्कत इनकी नहीं है, 20-24 वाले ये नहीं समझ में आता शत्रु संपत्ति तो पुलिस क्यों मदद करती है बगैर कोई स्टे ऑर्डर, क्यों? जब शत्रु है तो पुलिस को खुद मदद करनी चाहिए इनकी, उनको खदेड़ना चाहिए, बजाय उल्टा राज का चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि FIR 20-24 की जा चुकी है, थाना ककोरी था उस वक्त लेखपाल महोदय, जब FIR की जा सकती तो इनके पे तो FIR करनी चाहिए, उनको भूमाफिया मानना चाहिए, मगर इनको भूमाफिया मांग के इनके खिलाफ कार्रवाई भी, क्योंकि अमीर हसन बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, उसने शत्रु संपत्ति 16 बीघे बेची, अन्यथा चक्रोड में डाला, बगल के किसानों की जमीन पर यह बताता ये रजिस्ट्री हमने कर दी है। अब उसने टिटम्बा का काम जारी रखा है, शत्रु संपत्ति का दूसरे नंबर का टिटम्बा करवा दे रहा, जो कि बड़ी प्यार से रजिस्ट्री आपसी से टिटम्बा कर दिया जाता है ऐसे गरीबों को खदेड़ने के लिए, इन पर दबाव डालने के लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती कि टिटम्बे का कोई राजकाज क्या, कोई नहीं। इनका फोन तो आता है मुख्यमंत्री वहां से, मगर कोई इनके पास ये कहता तो भाई समस्या सुनी गई, हल हुआ? नहीं हल हुआ, क्योंकि जब माफिया बंदूक लेके आते तो मुकदमा नहीं किया गया आज तक, क्योंकि हमारे पास फोटो है, इन पे 107-16-45 चला दी गई है, उल्टा मुकदमा इन्हीं के ऊपर, इन्हीं पे 107-16-45 चल रही है, वो बंदूकधारी की फोटो मेरे पास है, साबूत तौर से कहिए दिखाई जाए, उन पर मुकदमा नहीं किया गया हुजूर, तो बहुत परेशान है कि कैसे इसको न्याय मिलेगा।
और दोस्तों इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने के दौरान कुछ मीडिया ग्रुपों पे जब ये खबर चलने लगी, उसके बाद डीसीपी पश्चिमी ने तुरंत संज्ञान लिया और दुबग्गा इंस्पेक्टर के साथ बिकनू को बुलाया है वार्ता के लिए। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अनुसूचित जाति के विकलांग बिकनू को न्याय मिलेगा, वो अपनी जमीन बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा।